नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम वायरस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन रैप्सन मेथड एंड प्रूफ ऑफ फॉर्मूला। हम देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूले का प्रूफ। ये हमारा वीडियो का होगा पार्ट थ्री। ऑलरेडी पार्ट वन में हमने इसका वर्किंग रूल और पार्ट थ्री हो गए, और इसका पार्ट वन में हमने इसका वर्किंग रूल और पार्ट टू में इसका कॉन्सेप्ट, और पार्ट थ्री जो है हमारा इस पर हम देखेंगे आज इसका फॉर्मूले का प्रूफ। ये जो फॉर्मूले का प्रूफ है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के लिए देखेंगे कि इसके फॉर्मूले के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको देखिए, ये जो फॉर्मूले का प्रूफ है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन होता है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही इसको करना है। हर स्टेप के इसमें नंबर होते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले का प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, बाय दिस मेथड वी गेट क्लोज अप्रॉक्सीमेट ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन इफ वी ऑलरेडी नो दैट्स अप्रॉक्सीमेट रूट। सबसे पहले क्या होता है, इस मेथड का उद्देश्य क्या होता है, इस मेथड का जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है कि हमको एक रूट फाइंड करना रहता है, और वो भी कैसा रूट रहता है, एक्यूरेट रूट। उसमें हमको दिया रहता है कि पॉइंट के बाद चार रूट, या जो भी आपको टू रूट पॉइंट के बाद टू पॉइंट तक यदि आपको रूट चाहिए, थ्री पॉइंट तक चाहिए, तो जितना भी आपको बोला रहता है आपको फाइंड करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में उसको अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से हम निकालते जाते हैं, और एक एक्यूरेट रूट के नज़दीक हम पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का हमको यहाँ पे देखना है उसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो वी आई इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी रहती है हम उसको किसके जीरो के इक्वल ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे क्या बढ़ते हैं, तो देखते हैं लेट एक्स जीरो वी आ अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम मान लेते हैं कि जो हमको इक्वेशन दी है उसका एक अप्रॉक्सीमेट रूट क्या है, एक्स जीरो है। फिर उसके बाद सेकंड जो है x1 इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच वी द करेक्ट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए अप्रॉक्सीमेट रूट को हमने क्या मान लिया, एक्स जीरो, और जो हमारा करेक्ट रूट आएगा वो हमने मान लिया कि एक्स जीरो प्लस एच। देखिए उससे बढ़ के आ सकता है, कम तो आएगा नहीं, हमने क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में से मान लीजिए आपने पॉजिटिव माना है और निगेटिव माना, तो इन दोनों के बीच में ही होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। माइनस भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, प्लस आप माइनस मान के भी इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपने क्या मान लिया, एफ एक्स वन इक्वल टू जीरो, और देन एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू जीरो। एफ एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू जीरो, आपने फंक्शन की वैल्यू को जीरो को इक्वल मान लिया, और एफ एक्स वन को जीरो किया, तो एक्स वन की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम में हम क्या करेंगे, आपने पढ़ रखा होगा टेलर्स थ्योरम को, तो ये टेलर्स थ्योरम है, आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टेलर्स थ्योरम होता है वो होता है एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स जीरो प्लस एच की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो प्लस इन्फिनिटी और इक्वल टू जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, टेलर्स थ्योरम आपने पढ़ रखा होगा काफ़ी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, सिंस एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन निगलेक्टिंग एच स्क्वायर एंड हाइएस्ट पावर ऑफ एच। हम क्या करेंगे, यहाँ से एच स्क्वायर के बाद जितनी भी आने वाली पावर को हम उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, कारण ये होता है एच तो वैसे ही स्मॉल क्वांटिटी होगी, आपको पता है जब आप निकालते तो जीरो पॉइंट में जाती है, और जब उसका स्क्वायर होगा तो वो और भी स्मॉल होते जाएगी, इसलिए इसके कारण हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, ये हमको बचेगा। यहाँ से हम क्या है, एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एच की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, माइनस में एफ एक्स जीरो अपॉन एफ एक्स डैश एक्स जीरो, ये तक आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे किस पे, ये वाले फॉर्मूले पे जो हमने फंक्शन तैयार किए थे एफ एक्स जीरो प्लस एच, इसमें हम पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। जैसे ही हम एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा निकल के, एक्स वन इक्वल टू एफ जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। जैसे ही हमने इस पे वैल्यू पुट किया एक्स वन इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच में, तो हमको क्या मिल गया, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ
एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन हो जाएगा एंड सक्सेसेस अप्रोक्सीमेट आर गिवन बाय एक्स वन एक्स टू और डॉट 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 एक्स एन तक के लिए हमारे पास क्या जाएगा एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स एन सॉरी एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन ये हमारा क्या जाएगा एन टर्म के लिए आप बोल सकते हैं इसको जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं न्यूटन रैप्सन का। तो कई बार आपको क्वेश्चन में जनरल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन का आपको ड्राइव करने के लिए भी आ जाता है वेयर एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, 2, 3 तक हो जाएगा ये 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा सॉरी 0 भी हो जाएगा यहाँ पे। यदि हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन क्या हो जाती है इसकी देखिए यदि एफ डैश एक्स एन क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए यदि हमारा जो है एफ डैश एक्स एन किसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल हो जाए तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा ये फेल हो जाएगा वहाँ पे। और इसके अलावा यदि इसमें ये वाला इसका हो गया हमारा फर्स्ट लिमिटेशन इसके बाद इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट ये जो मेथड है इसको हम कॉम्प्लेक्स रूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्लियर है बस इसमें इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कोई चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखिए हमने न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले में बस हमको कितनी चीज़ें याद रखना हमको याद रखना है एक्स वन इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच इसमें हमको एच की वैल्यू निकालना टेलर्स थ्योरम से और एच की वैल्यू को यहाँ पुट करना हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा बस इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछता बस आपको इसको पैटर्न से लिखना है और आप हर स्टेप को क्लियरली लिखेंगे डिफाइन करेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको यदि ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल एग्जाम वायरस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।